अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है बच्चों, एक नाव 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। 10 घंटे में वह 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा के चाल तथा स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारे अब यहाँ से हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हो चुके हैं, 6-6 नंबर के क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या पूछा है, धारा की चाल और स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ हमको बतानी है उसको मान लेते हैं, माना धारा की चाल पहले लिख लेते हैं, माना धारा की चाल। चाल हमेशा बच्चों क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मान लेते हैं एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर है दूसरी स्थिर जल में किसकी, नाव की चाल, दूसरी मान लेते हैं हम नाव की चाल कितनी हो जाएगी, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों दो चालें और आपको यहाँ सुनने को मिली हैं कि अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल क्या होती है और प्रतिकूल चाल क्या होती है बच्चों? देखो अनुकूल होता है कि जहाँ पानी जा रहा है उसी दिशा में हमारी क्या है, नाव भी जा रही है, तो यानी अनुकूल है, तो ये हमारी हो जाएगी क्या, अनुकूल चाल। और प्रतिकूल क्या होता है, जब पानी हमारा इस दिशा में बह रहा है और नाव हमारी जा रही है इसकी विपरीत दिशा में, तो वो होती है हमारी बच्चों क्या, प्रतिकूल चाल। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल लिख लेते हैं, अनुकूल चाल जब होगी यानी जो धारा की चाल होगी यानी पानी इधर बह रहा है, तो जो नाव की चाल होगी वो भी क्या है, इधर ही चलेगी, तो क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे यानी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी बच्चों, अब यहाँ देखो दोनों विपरीत दिशा में जा रही है यानी पानी इधर बह रहा है, नाव इस साइड जा रही है, यानी चाल स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल, देखो 12 घंटे में ही क्या कर रही है, प्रतिकूल 35 किलोमीटर जा रही है और अनुकूल 55 किलोमीटर जा रही है। तो पहले हम लिख लेते हैं 35 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यहाँ पे है धारा के, सॉरी धारा के प्रतिकूल है, तो धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समय बराबर देखो यहाँ देख लेते हैं, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब देखो बच्चों दूरी कितनी दे रखी है हमको, 35 किलोमीटर, तो यहाँ से जाएगा 35 बट्टे में चाल, चाल देखो कैसी है, प्रतिकूल के लिए क्या हमने लिया यहाँ पे एक्स माइनस वाई, ठीक हो गया। इतना समय लग रहा है किसके लिए, पहले वाले किसके, प्रतिकूल, इसको मान लेते हैं T1। ऐसे ही धारा के प्रतिकूल, सॉरी अब धारा के अनुकूल दे रखा है, धारा के अनुकूल कितने किलोमीटर बच्चों, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर, तो यहाँ से लिख लेते हैं धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर दूरी दूरी तय करने में लगा समय। सेम फॉर्म हो जाएगा दूरी बटे चाल, अब यहाँ दूरी बच्चों कितनी है 55 और चाल बच्चों कैसी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई अनुकूल है ना, देखो अनुकूल चाल है हमारी, तो यहाँ से आ जाएगा 55 बटे एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों दूरियों को जो तय करने में समय लग रहा है वो कितना दे रखा बच्चों, 12 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12 बराबर आ जाएगा 35 बटे एक्स माइनस वाई, यानी इन दोनों को मिला करके कितना आ रहा है हमारा, 12 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 55 बटे एक्स प्लस वाई, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर एक। ऐसे ही फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10 घंटे में वह 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर जा रही है। फिर अब 10 फिर आगे देखते हैं हम पुनः धारा के प्रतिकूल बच्चों, बस इसमें थोड़ी लैंग्वेज जरूर है बट क्वेश्चन क्या है, इजी है। धारा के प्रतिकूल अब कितने किलोमीटर पहले प्रतिकूल जा रहा है बच्चों, जो नाव है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। सेम फॉर्मूला रहेगा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 30, चाल प्रतिकूल है, तो आ जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक हो गया बच्चों, सॉरी यहाँ हमारा क्या है समय है, तो यहाँ पे खाली क्या आ जाएगा घंटा, ठीक होगा 30 बटे एक्स माइनस वाई। ऐसे ही आ जाएगा अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल
कितने किलोमीटर जा रही है बच्चों हमारी जो नाव है? 44 किलोमीटर में आ जाएगा धारा के अनुकूल। 44 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। दूरी आ गई बच्चों 44 बट्टे अनुकूल चाल है तो x प्लस वाई आ गया। अब इन दोनों को तय करने में कितना समय लग रहा है? जो दूरी दे रखी है कितना समय लग रहा है? 10 घंटे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 बराबर में आ जाएगा 30 बट्टे x माइनस वाई प्लस 44 बट्टे x प्लस वाई। समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से देखते हैं हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अब यहाँ इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं बच्चों। जो आया हमारे पास देखो 35 बट्टे x माइनस वाई प्लस 55 बट्टे x प्लस वाई बराबर में कितना है? 12। और जो दूसरा समीकरण निकल गया हमारा 30 बट्टे x माइनस वाई प्लस 44 बट्टे x प्लस वाई बराबर कितना? 10। अब यहाँ एक चीज़ आप नोट करेंगे बच्चों, देखो एक अगर हम 35 को यहाँ से भूल जाएँ, 35 55 को भूल जाएँ, कितना है? 1 बट्टे x माइनस वाई, 1 बट्टे x प्लस वाई। ऐसे देखो 1 बट्टे x माइनस वाई, 44 बट्टे x प्लस वाई। देखो 30 गुणा 1 बट्टे x माइनस वाई प्लस 44 गुणा 1 बट्टे x प्लस वाई कर सकते हैं हम। देखो 30 की गुणा 1 में कराएंगे आ जाएगा 30 बट्टे x माइनस वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? देखो यहाँ से हम मान लेंगे, माना 1 बट्टे x माइनस वाई को मान लेते हैं ए और 1 बट्टे x प्लस वाई को मान लेते हैं बी। इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों? जो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होनी ही थी वो क्या हो जाएगी? थोड़ी इजी हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग ये समझ गए होंगे, इसको हटा देते हैं। देखो 1 बट्टे x माइनस वाई यहाँ से अगर हम 35 को भूल जाएं, आगे गुणा में लिख दें तो 1 बट्टे x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? ए। और गुणा में 35 है तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा? 35 ए। ऐसे आगे है कितना? प्लस आ जाएगा 55। बी बराबर में आ जाएगा कितना? 12। ऐसे ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा 30 ए और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 44। बी बराबर में कितना? 10। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमको दो समीकरण मिल चुके हैं रेखीय रूप में। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। या तो हम क्या करें इनको, देखो हमारे पास इसका सॉल्यूशन करने के लिए 4 मेथड हैं। कौन कौन से? पहले तो हमारा बच्चों ग्राफीय विधि, दूसरा है हमारा विलोपन विधि, तीसरा है कौन सी बच्चों? प्रतिस्थापन विधि, और चौथी है हमारी वज्रगुणन विधि। चारों विधियों में से कोई भी विधि हम इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी ए और बी का मान निकालेंगे। फिर ए और बी का मान हमने ऊपर कहा 1 बटे x माइनस वाई ए जहाँ माना है और 1 बटे x प्लस वाई बी माना है, वहाँ पर उसका मान रख करके इजिली एक्स और वाई का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो किससे करते हैं बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, ठीक है? तो यहाँ ले लेते हैं पहले समीकरण 3 से प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बच्चों? दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है, जो हमारा समीकरण कौन सा? तीसरा और चौथा है। तीसरे और चौथे में से किसी एक समीकरण को लेना है, एक नया समीकरण बनाना है, उस समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रखना है। मान लो हम इसमें से इस समीकरण को लेते हैं, एक तीसरा नया समीकरण बनाते हैं, फिर इसका जो मान निकलेगा वो हम रखेंगे किसमें? दूसरे वाले समीकरण में। तो यहाँ से हम ये वाली चीज़ हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत तो है नहीं। समीकरण तीसरा लिया। अब समीकरण तीसरा हमारा कौन सा है? 35 ए प्लस 55 बी बराबर में कितना है? 12। यहाँ से अब ए या बी का मान निकालते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 35 ए बराबर में आ जाएगा 12 माइनस 55 बी। ठीक हो गया। और यहाँ से देखो ए का मान निकालना है तो हो जाएगा 12 माइनस 55 बी बट्टे में आ जाएगा कितना? 35। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब लिखेंगे समीकरण 5 का मान किसमें? समीकरण, देखो ये जो ए व ए का मान निकाला हमने निकाला इससे, अब इसका मान रखेंगे किसमें? 4 में। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है? तो ए का मान निकाला तो यहाँ से आ जाएगा 30, ब्रैकेट में रख देते हैं, देखो 12 माइनस 12 माइनस 55 बी बट्टे में क्या है? 35। और यहाँ देखें प्लस है कितना? 44 बी, प्लस का आ जाएगा 44 बी बराबर में आ जाएगा 10। अब इस 30 की गुणा करा देते हैं हम अंदर ब्रैकेट में, तो आ जाएगा देखो 12 गुणा 30 करेंगे, 12 3 होता है 36, तो यहाँ से आ जाएगा 360 माइनस 55 की गुणा 30 से कराएंगे। देखो ये 0 का 0 लिख लेते हैं, 55 भी गुणा करानी है किसमें? 3 में। तो 5 3 हो जाएगा 15, 15 का 5 हाथ से लगा 1, फिर 5 3 15 और 1
16, यहाँ पे आ गया 1650, बी बट्टे में 35 प्लस में कितना है 44, बी बराबर में 10। अब इस 35 के यहाँ से अब बच्चों क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे, इस 35 से गुणा करा देंगे यहाँ पे, फिर इस जो 35 आ जाएगा पूरे के अपॉन में आ जाएगा, उसको ले जाएंगे हम राइट साइड में। तो हर बराबर करने के लिए 35 गुणा करा देते हैं किसमें, 44 में। तो यहाँ देख लेते हैं 44 गुणा 35 करके कितना आएगा, 5 चौक हो जाएगा 20, हाँसी लगा 2, 5 चौको 20 और 2 22, गुणा 3 चौको 12 का 2, हाँसी लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13। तो यहाँ से आ गया 0, 2 और 2 4, 3 और 2 5 और 1 कितना आ गया 1540। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 360 माइनस 1650 बी प्लस 44 का हमने गुणा कराया 35 से, कितना आ गया 1540 बी बट्टे में, देखो 35 पूरे के बट्टे में आ गया, जब हर बराबर हो गया तो 35 को ले जाते हैं हम राइट साइड में। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 35 गुणा 10 यानी 350। अब यहाँ देखेंगे इस 360 को ले जाते हैं हम कहाँ, राइट साइड में। तो यहाँ 1650 में से अगर हम 1540 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1650 में से अगर 1540 करेंगे, देखो 0 का आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे देखो कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 4, 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5, फिर कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 1, 1 में से 1 जाएगा 0, और ये माइनस का आ गया कितना 110, क्योंकि माइनस का 1650 बड़ा है किससे, प्लस के 1540 से। तो यहाँ से आ गया माइनस का 110। इस 360 को ले जाते हैं हम राइट साइड में, कितना आ जाएगा देखो बच्चों, 360 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 360, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10 और इधर माइनस का 110, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कट। और यहाँ पे देखो बच्चों इसके साथ क्या है, बी बी है, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा बी, ठीक हो गया। बी का मान निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 और ये गुणा में है, आ जाएगा किसमें, डिवाइड में, कितना 110। तो यहाँ से बी बराबर कितना आ गया बच्चों, 1/11। अब क्या करेंगे, इस बी का मान रखेंगे हम किसमें, समीकरण कौन से में, तीसरे में, या यहाँ देखो बच्चों हमने ये जो बी का मान निकाला किन समीकरणों से निकाला, तीसरे और चौथे से। तो यहाँ हम रख देंगे बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे देख लेते हैं बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण तीसरा उतार लेते हैं यहाँ पे, क्या है 35 ए प्लस 55 बी प्लस 55 बी बराबर में कितना है 12। बी का मान अभी हमने निकाला कितना, 1/11, तो यहाँ से आ जाएगा 35 ए प्लस 55 गुणा 1/11 बराबर में 12, 11 का भाग 55 में चले जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बराबर में बच्चों कितना 35 ए, देखो यहाँ पे आ गया कितना 55, 11 पंजे 55, 5 बचा प्लस का 5, इस 5 को ले जाएंगे हम राइट साइड में, तो आ जाएगा देखो 12 माइनस 5, 12 में से 5 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से देखो ए का मान निकालना है, 35 आ जाएगा किसमें, बट्टे में, तो यहाँ से ए का मान बच्चों कितना आ जाएगा, बताओ बच्चों कितना आ जाएगा ए का मान, देखो 7/35 आया तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसको यहाँ देख लेते हैं, तो ए बराबर आ जाएगा 7 पंजे 35, 1/5। देखो बी का मान आया 1/11 और ए का मान कितना आ गया 1/5। अब बट हमें ए और बी का मान नहीं बताना है, किसका मान बताना है बच्चों में, एक्स और वाई का, यानी चाल बतानी है, यानी यही तो हमने मानी है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल और नाव की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से देख लेते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन, अब जो हमने माना था ऊपर क्या माना था, 1/x माइनस वाई बराबर माना था हमने किसको, ए को, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/5 और इधर आ जाएगा 1/x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इनका, देखो 1/5 आ गया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर में आ जाएगा कितना 5, इसको समीकरण मान लेते हैं ए। और ऐसे ही दूसरा हमने किसको माना है, 1/x + y, 1/x + y बराबर माना है हमने किसको, बी को, अभी बी का मान अभी हमने कितना निकाला बच्चों, 1/5 किसको माना था हमने बच्चों, ए को, ठीक है, बी का मान आ गया था कितना 1/11, तो 1/x + y बराबर 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से देखो, तो यह आ जाएगा 11 और x + y बराबर आ गया कितना 11, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ एक साइड का थोड़ा सा मिटा लेते हैं, आपको नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ से कर देते हैं साफ इन दोनों समीकरणों को, वापस यहाँ देख लेते हैं बच्चों, 1/x - y बराबर माना था ए और 1/x + y बराबर माना था बी। अभी हमने ए और बी का मान निकाला, ए का मान बच्चों कितना निकाला, 1/5, यहाँ देख सकते हैं 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा x - y बराबर 5, ठीक है, और यहाँ से 1/
एक्स प्लस वाई बी का मान अभी हमने निकाला 1/11 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ चल जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 11। इसको मान लेते हैं समीकरण ए और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर बी। अब दोनों समीकरणों को एक दूसरे के इक्वल में रख लेते हैं तो यहाँ से देखो एक्स माइनस वाई बराबर 5 और एक्स प्लस वाई बराबर 11। विलोपन विधि से हल करेंगे क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे y क्या है बराबर है, देखो एक प्लस में एक माइनस है दोनों हो जाएंगे कट, x प्लस x दोनों ऐड हो जाएंगे कितना आ जाएगा 2x, 11 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे कितना आ जाएगा 16, तो 2x बराबर 16, x का मान निकालना है तो 16/2 x बराबर कितना आ जाएगा 8, और 8 हमने बच्चों किसको माना था किसकी धारा की चाल, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आगे किसकी धारा की चाल। अब स्थिर जल में नाव की चाल हमने मानी थी वाई को, तो यहाँ से बच्चों वाई का मान निकाल लेते हैं, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण ए में रखने पर समीकरण ए हमारा क्या है एक्स माइनस वाई बराबर 5, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आया 8 माइनस वाई बराबर 5, माइनस वाई बराबर आ जाएगा 5 माइनस का 8, देखो प्लस का 8 है राइट में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट वाई बराबर कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों की धारा की चाल कितनी आगे बच्चों 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थिर जल में नाव की चाल आगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों ये जो सेकंड नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों तीन क्वेश्चन है, तीनों ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें दो चीज़ें बतानी है इसमें, क्या एक तो ऋतु की चाल और दूसरी है धारा की चाल। तो आते हैं सीधा हम क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज हमारी बच्चों 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। तो दोनों चालों को हम मान लेते हैं, माना ऋतु की चाल, माना ऋतु की चाल, चाल हमेशा बच्चों क्या होती है किलोमीटर प्रति घंटा में। दूसरी है बच्चों धारा की चाल, धारा की चाल ये हो जाएगी बच्चों क्या वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर हम मान लो किसी एक नदी में तैरने के लिए जाते हैं तो एक क्या होता है कि एक हम होता है कि पानी के दिशा में, मान लो पानी इधर बह रहा है तो हम उसी की दिशा में तैर रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी यानी प्लस होगा। ऐसे ही मान लो अगर पानी किधर बह रहा है इधर को बह रहा है और हम किधर तैर रहे हैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारी क्या स्पीड होगी कम हो जाएगी यानी माइनस। तो दो चालें हो जाएंगी बच्चों, एक हो जाएगा अनुकूल यानी धारा के साथ, एक हो जाएगा प्रतिकूल धारा के विपरीत। तो जब यहां देखते हैं क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल हो जाएगी बच्चों, अनुकूल चाल, अनुकूल यानी धारा की दिशा में, ऋतु की चाल x है और अगर धारा की चाल y है, धारा की चाल और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही प्रतिकूल चाल देखते हैं, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए बच्चों क्या आ जाएगा माइनस किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कन्फ्यूजन हो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। फिर है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, समय कितना है बच्चों हमारे पास, एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं, चाल बराबर होता है क्या दूरी बट्टे समय। तो ऋतु द्वारा कितने किलोमीटर टोटल बच्चों 20 किलोमीटर, ऋतु द्वारा 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय, यहाँ से देखो बच्चों समय है और समय अगर हमें दे रखा है तो ये हो जाएगा बच्चों दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारे पास बच्चों कितनी 20 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 20 बट्टे में चाल कितनी है हमारी, कैसी है चाल, अनुकूल चाल है, देखो कि ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल है, धारा के अनुकूल, अनुकूल है, देखो ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय अनुकूल है, तो अनुकूल के लिए बच्चे क्या आ जाएगी चाल x प्लस वाई, तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई। फिर है
इसमें दे रखा है बच्चों, समय भी दे रखा है, कितने घंटे लग रहे हैं इसको, 2 घंटे। तो हो जाएगा बच्चों 2 बराबर में 20 बट्टे x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा बच्चों 2x प्लस में 2y, ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा अंदर x प्लस y इक्वल टू 20, x प्लस y 2 गुणा में है बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ से x प्लस y बच्चों कितना आ गया, 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, सेम ऐसे ही है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। फिर है ऋतु द्वारा 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में लगा समय। फिर यहाँ से वही हो जाएगा बराबर क्या, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी बच्चों, 4 किलोमीटर, ही हो जाएगा 4 बट्टे में प्रतिकूल चाल है तो x-y, और समय कितना लग रहा है इनको, 2 घंटे। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x-y इक्वल टू कितना 4, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, यहाँ से x-y इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 2। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे किसके द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा, समीकरण 1 को ले लेते हैं इसी के नीचे, तो ये आ जाएगा x+y इक्वल टू कितना 10, समीकरण नंबर 1। एक देखो माइनस और एक प्लस, वाई दोनों इक्वल हैं, कट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 12, एक्स का मान आ जाएगा बच्चों कितना 6। अब यहाँ लिखेंगे हम एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास है बच्चों x+y इक्वल टू कितना है 10, एक्स का मान निकाला हमने कितना 6, ये आ जाएगा 10, तो यहाँ से वाई बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 10-6 इक्वल टू आ जाएगा कितना 4। एक्स हमने माना था किसको बच्चों, ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल होगी हमारी कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमने मान ली थी वाई, तो ये धारा की चाल बच्चों होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया बच्चों फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं हम इसी का नंबर सेकंड। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो 2 चीजें दे रखी है हमको जो निकालनी है, क्या कि एक अकेली महिला कितने दिन में पूरा काम करेगी, और दूसरा है कि एक पुरुष उसी काम को कितना समय लेगा। नंबर है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड नंबर। तो मान लेते हैं जो हमसे पूछा है, माना एक महिला द्वारा द्वारा काम को पूरा किया जाता है 1 दिन में, ठीक है, एक काम है उसको पूरा करने में कितना समय ले रही है, 1 दिन ले रही है। ऐसे ही एक पुरुष द्वारा काम को पूरा किया जाता है y दिन में। देखो बच्चों टोटल कितने दिन ले रही है, 1 दिन, ठीक है, तो एक में हम यहां लिखेंगे एक महिला का 1 दिन का काम। टोटल देखो बच्चों 1 दिन लग रहे हैं, तो 1 दिन में कितना कर लेगी काम, x का 1 भाग, ठीक है, 1 बट्टे x भाग, कौन, एक महिला। ऐसे ही एक पुरुष का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बट्टे y भाग, प्रतिदिन। यानी 1 दिन में 1 भाग कर रहे हैं किसका, पूरे काम का। अब देखो हमने बच्चों एक महिला का 1 दिन का काम निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में कहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि 2 महिला का 4 दिन का काम, बराबर देखो 2 महिलाएं हैं, कितने दिन काम कर रही हैं, 4 दिन, तो टोटल हो जाएगा 1 दिन का 8 भाग पूरा कर लेंगी, ठीक
ठीक है, ऐसे ही फिर है, कितने पुरुष हैं? पांच पुरुष, पांच पुरुष का 4 दिन का काम, तो हो जाएगा 5 को 20/y भाग, ठीक हो गया। अब दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? एक साथ काम कर रहे हैं, तो दो महिला व 4 पुरुष द्वारा 4 दिन का काम, टोटल काम देखो बच्चों कितना है, एक, और दोनों मिलके कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा 8/x + 20/y, ठीक हो गया। और काम हमारे पास कितना है? एक, तो एक यानी दोनों मिलकर के इतने दिनों में काम को पूरा कर ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन में कहा है ना कि दो महिलाएं एवं पांच पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी एक काम को दोनों मिलके पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में। फिर ऐसे ही अगला समीकरण बनेगा बच्चों, ये एक हमारा निकल के आ गया रैखिक समीकरण, इसको हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। फिर देखते हैं आगे कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 महिलाएं हैं, ये हो जाएगा 3 महिला का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, तो हो जाएगा बच्चों कितना? 3 × 9/x। ऐसे ही 6 पुरुष समय कितना? 3 दिन, 6 पुरुष का 3 दिन का काम, तो बच्चों 6 × 18/y। फिर यहाँ से समीकरण बनेंगे, देखो बच्चों काम सेम रहेगा कितना? एक, और दोनों मिलके पूरा कर लें, यानी 9/x + 18/y, ठीक हो गया, यानी ये मिलके एक काम को पूरा कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखो, इसको हम समीकरण ले लेते हैं एक, और इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। देखो ये है 8/x + 20/y = 1, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण हमारे पास 9/x + 18/y = 1, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखो सेम बच्चों जो हमने फर्स्ट नंबर में किया था कि यहाँ पे 1/x है और यहाँ पे 1/y, 1/x, 1/y, तो मान लेते हैं, माना 1/x = a और 1/y = b, तो समीकरण हमारा बन जाएगा 8a + 20b = 1, और ये हो जाएगा 9a + 18b = 1, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ देखो इनको अगर इक्वल करना है तो यहाँ हम 9 से गुणा कराएंगे और इसमें 8 से, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4। तो यहाँ आप लोग बच्चों हिंदी में लिख लेना कि समीकरण 3 में किससे? 9 से, और समीकरण 4 में किससे? 8 से, क्या कराने पर? गुणा कराने पर। जब 9 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 × 9 = 72a + 9 × 2 = 18, 180b = कितना? 9। ऐसे ही हो जाएगा कितना? 9 × 72a + 8 × 64 = 4, हासिल लगा 6, 8 और 6 बच्चों कितना हो जाएगा? 14, 144b = में कितना? 8। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 5 और ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब दोनों को इक्वल में रख लिया, अब ये देखो इक्वल हो गया, पर इनके साइन कैसे हैं? दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम यहाँ नीचे साइन चेंज कर देंगे पूरी इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा बच्चों कट। 180 में से बच्चों 144 माइनस करेंगे तो कितना शेष रह जाएगा? देखो यहाँ 10 है, 10 में से 4 जाएगा कितना बच्चा? 6। यहाँ आ गया 7, 7 में से 4 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पे आ गया कितना? b, और यहाँ से आ गया 1, तो यहाँ देखेंगे बराबर बच्चों b क्या आ गया? 1/36, b का मान निकल गया। और अब हम a का मान निकालेंगे, लिखेंगे b का मान समीकरण, समीकरण किस में रखे बच्चों? 3 में, समीकरण 3 में रखने पर b का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 देख लेते हैं, 8a + 20b = में कितना? 1, 8a को हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमने b का मान निकाला है, कितना? 1/36 = 1। यहाँ देखो बच्चों 20 और 36 में किसी एक संख्या का भाग जाता है, किसका? 4 का, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36 और 4 × 5 = 20, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 8 है और प्लस का 5/ में कितना? 9 = 1। अब इसको यहाँ देख लेते हैं, तो हो जाएगा बराबर में कितना? 8 है
वन माइनस 5/9 प्लस का, इधर जाके माइनस में, तो यहाँ से 8 है इक्वल टू में आ जाएगा कितना, 9 एकम 9, 9 में से 5 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 4/9, 1 का मान निकालना है तो हो जाएगा 4/9 बट्टे में कितना 8 आ जाएगा, देखो गुणा में बट्टे में आ गया, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ए बराबर आ जाएगा बच्चों कितना 1/18। ए हमें ए और बी का मान नहीं बताना है, किसका मान बताना है बच्चों, एक्स और वाई का, तो हमने जो ऊपर माना था वो लिख लेते हैं, 1/x बराबर हमने माना था किसको, ए को, ऐसे ही 1/y बराबर हमने माना था किसको, बी को, तो 1/x ए का मान बच्चों आया कितना 1/18, और ऐसे ही 1/y बराबर बी का मान कितना है 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा बच्चों कितना 18 और वाई बराबर आ जाएगा 36। एक्स हमने माना था कि एक महिला द्वारा काम को पूरा किया जाएगा कितने दिन में, एक्स दिन में, तो यहाँ पे आ गया कितना 18 दिन, किसका, एक महिला का। ऐसे ही पुरुष का हमने माना था कितना वाई, तो पुरुष कितने दिन में करेगा 36 दिन में। ये हो गया बच्चों हमारा सेकेंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर थर्ड। थर्ड नंबर है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बच्चों इन दोनों की चाल क्या आएगी। तो पहले मान लेते हैं जो दोनों चीज़ें हमें दे रखी है, क्या रेलगाड़ी और बस की चाल निकालनी है, तो माना रेलगाड़ी की चाल, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हमेशा बच्चों किसमें आती है, किलोमीटर प्रति घंटा में। दूसरी चीज हमारी क्या, बस, तो आ जाएगा बस की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक होगा बच्चों। अब एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ठीक हो गया। अब है कि टोटल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर, और यहाँ पे हमें दे रखी है दूरी कितनी, 300 किलोमीटर। अब कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से जा रही है, कुछ बस द्वारा जा रही है, तो देखते हैं। पहले है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, ठीक है, तो हम लिखेंगे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बच्चों कितनी है, 60 किलोमीटर, तो हो जाएगा 60/में, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, 60 हो गई दूरी और चाल बच्चों कितनी है रेलगाड़ी की, एक्स, तो ये आ गया बच्चों कितना 60/x। फिर है और शेष यात्रा बस द्वारा करती है। अब बच्चों देखो टोटल दूरी 300 है, 300 में से 60 किलोमीटर किससे आएगी, रेलगाड़ी से, तो बाकी दूरी कितनी बची बच्चों, 240, यानी 240 किलोमीटर बस द्वारा जाने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 240 किलोमीटर, चाल क्या होगी इसकी, वाई। अब क्या कह रहे हैं कि टोटल 300 किलोमीटर किस में, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और बाकी बस में जाने में उसे कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, यानी दोनों को मिलाकर के लग रहे हैं कितने, 4 घंटे। ये हो जाएगा 60/x प्लस 240/y बराबर कितना, 4। ठीक हो गया बच्चों, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर एक। ऐसे ही फिर आगे बोला है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी, फिर दोबारा बोला है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाने में लगा समय, सेम बनेगा, अब 100 किलोमीटर 60 की जगह कितना आ जाएगा, 100/x। ऐसे ही अब बाकी शेष दूरी बच्चों देखो, टोटल दूरी तो 300 ही है, 300 में से 100 रेलगाड़ी से, तो बाकी कितनी बची, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर किस में, बस द्वारा जाने में लगा समय, तो ये हो जाएगा दूरी 200/y। अब ये टोटल यानी 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर जाने में इसको कितना लग रहा है समय, 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। पहले बच्चों कितना लग रहा था, 4 घंटे, तो हम लिखेंगे 4 और 10 मिनट है, 10 मिनट को बच्चों हम अगर घंटे में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, 10/60 बराबर में कितना हो जाएगा, 100/x प्लस 200/y। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 0 से 0 कट हो जाएगा बच्चों, 6 चौके 24, जब हर बराबर करेंगे तो इसका 1, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 1 25, तो यहाँ से जो हमारा समीकरण निकल के आ गया 25/6 बराबर में आ जाएगा 100/x प्लस 200
बट्टे वाई, समीकरण नंबर दो। दोनों समीकरणों को ले लेते हैं पहले। यहाँ से आ जाएगा समीकरण एक जो है हमारा निकल गया 60 बट्टे में एक्स प्लस 240 बट्टे में वाई इक्वल टू में कितना है 4। तो यहाँ बच्चों एक चीज़ नोटिस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 60 कॉमन आएगा दोनों में। जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर जो शेष रह जाएगा यहाँ से आ जाएगा कितना 1 बट्टे में एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 6 चौके 24 4 बट्टे वाई बराबर 4। 60 देखो मल्टीप्लाई में राइट में लाएंगे किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बट्टे x प्लस 4 बट्टे में y, ये हो जाएगा 4 बट्टे 60। सॉल्व करेंगे देखो कितनी बार जाएगा, 1 बट्टे x प्लस 4 बट्टे y, हो जाएगा 4 एकम 4, ये आ जाएगा 4 एकम 4, 2 से 4 पंजे 20, 1 बट्टे 15। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर कितना 3। ऐसे ही दूसरा समीकरण जो हमें दे रखा है वो है 100 बट्टे x, 100 बट्टे में x प्लस 200 बट्टे में y बराबर में कितना 25 बट्टे में 6। अब यहाँ फिर से कॉमन कितना 100, जब 100 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 बट्टे x प्लस 2 बट्टे में y बराबर 25 बट्टे 6। 100 कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से जो समीकरण निकल के आएगा 1 बट्टे x प्लस 2 बट्टे में y 25 बट्टे 6 गुणा 100, यहाँ से जाएगा 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो यहाँ जो बचेगा हमारे पास 1 बट्टे x प्लस 2 बट्टे y बराबर में कितना है 1 बट्टे 24, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 4। फिर से देखो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारी कंडीशंस बन रही थी कि 1 बट्टे x 1 बट्टे y 1 बट्टे x 1 बट्टे y, तो हम लिखेंगे माना 1 बट्टे x बराबर a और 1 बट्टे y बराबर b। तो जो हमारे नए समीकरण बनेंगे क्या बन जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा a प्लस में ये हो जाएगा बच्चों 4b इक्वल टू में आ जाएगा कितना 1 बट्टे 15। ऐसे ही हमारे पास जो चौथा समीकरण है वो हो जाएगा a प्लस का 2b इक्वल टू में कितना 1 बट्टे 24। देखो a का मान बराबर है तो हम चिन्ह बदल लेंगे, माइनस 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 ये दोनों हो जाएंगे कट, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा प्लस का 2b, 1 बट्टे 15 और 1 बट्टे 24 को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 1 बट्टे 15 माइनस 1 बट्टे 24। इन दोनों का अगर हम हर बराबर करेंगे तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 से 1 3 8 24, फिर ये आ जाएगा 5 और ये 8, तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 4 3 12 120। अब 15 का 120 में भाग कितनी बार जाएगा बच्चों 8 बार, ऐसे ही 24 का भाग जाएगा कितना बच्चों 5 बार, यहाँ से सॉल्व करके आ गया बच्चों कितना 3 बट्टे 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा 1 बट्टे 40, 3 चौको 12, तो 1 बट्टे 40 आ गया। किसको सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया 1 बट्टे 40, तो यहाँ से जब हम b का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बट्टे 40 और गुणा में 2 है इधर आ जाएगा किस में बट्टे में, तो b का मान बच्चों कितना आ गया 1 बट्टे 80। ऐसे ही a का मान देखते हैं तो ये लिखेंगे हम b का मान समीकरण किस में रखने पर, ये हमारा समीकरण बच्चों कौन सा था तीसरा, ये था हमारा चौथा, तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो किसका b का मान आया, तो a ऐसे ही रहा प्लस का 4 गुणा 1 बट्टे 80 बराबर में 1 बट्टे 15। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना a प्लस 1 बट्टे 20 बराबर में 1 बट्टे 15, तो प्लस का 1 बट्टे 20 है राइट में जाएगा तो आ जाएगा किस में माइनस में 1 बट्टे 20। 15 और 20 का अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60। हर देखते हैं निकाल के 15 और 20, देखो 5 का भाग चले जाएगा दोनों में, 5 तिया 15, 5 चौको 20, यहाँ 3 एकम 3 और ऐसे ही 4 एकम 4 हो जाएगा, देखो 5 तिया 15, 15 चौके 60, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ आ गया हमारे पास कितना a बराबर आ गया कितना 60, 15 को 60 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 15 चौके 60, यहाँ पे आ गया 4, ऐसे ही 20 को देंगे 60 में कितनी बार 3 बार, तो यहाँ से a का मान बच्चों कितना आ गया 1 बट्टे 60। हमें a और b का मान नहीं बताना है, किसका बताना है x और y का, तो हमने यहाँ पे 1 बट्टे x बराबर माना था किसको a को, ऐसे ही 1 बट्टे y बराबर माना था b को, 1 बट्टे x बराबर a का मान आया कितना 1 बट्टे 60, ऐसे ही 1 बट्टे y बराबर हो गया 1 बट्टे कितना 80, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, x का मान कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ही वाई का मान कितना आ जाएगा बच्चों 80 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो 1 बट्टे वाई है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 इधर वाई इधर, तो वाई बराबर कितना आ गया
80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट और चैप्टर थर्ड भी हो गया कंप्लीट। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन जो हमने करे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप जितनी बार हो सके उतनी बार इनको रिवीजन करिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।